भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। छह महीने पहले का झगड़ा है, लड़का आन्या करके कोई है और तांडे नगर का राज करके कोई है और विक्की कमलापुर है और उसके साथ में शिवम और मनोज जो की पकड़े गए हैंगे। मेरे को खाली इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा इतना गुनहगार नहीं था कि टुकड़े टुकड़े में मिलेगा। मेरा बच्चा इतना गुनहगार नहीं था, इतना भी नहीं था। और अकेले बोले तो अकेले आया था मेरा लड़का, किसी के साथ में भी नहीं आया वो। मेरे को कुछ भी करो, मेरे लड़के के लिए कुछ करो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने कालेर खाड़ी किनारे हत्या करके दफन की गई लाश को बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान योगेश शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 13 दिनों से योगेश लापता था और नारपोली पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी परिवार ने दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या कर योगेश के शव को खाड़ी किनारे दफन कर दिया गया था। पुलिस ने हत्या के मामले में दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश होने की वजह से कुछ युवकों ने योगेश की हत्या की और शव को कालेर खाड़ी किनारे दफन कर दिया था, ताकि किसी को कुछ भी पता न चल सके। मगर पुलिस ने अब जमीन खोद कर यहाँ से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतक योगेश की मां ने इस पूरे हत्या को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, आपको सुनाते हैं। सर, ऐसा है कि 6 महीने पहले का झगड़ा है। मेरे लड़के के दोस्त लोग को वो लोग मारे और मेरे लड़के लोग को, अब वो मेरे लड़के लोग वो लोग को मारे। अभी क्या किसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। लड़का आन्या करके कोई है और तांडे नगर का राज करके कोई है और विक्की कमलापुर है और उसके साथ में शिवम और मनोज जो की पकड़े गए हैंगे और 3 फरार हैं और उसके साथ में काफ़ी लड़के थे, मुझे उनका नाम नहीं मालूम। मेरे को खाली इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा इतना गुनहगार नहीं था कि टुकड़े टुकड़े में मिलेगा। मेरा बच्चा इतना गुनहगार नहीं था, इतना भी नहीं था। किसने यहाँ पर बुलाया था आपको? ये शिवम और आयुष मनोज करके क्या बोलते हैं? बोले कि दारू में लेके आता हूँ, तू चकना लेके आ। उसके बाद वो नहीं आ रहा था तो उसको धमकी ऐसा दिए, तो उसके बाद वो आया। और अकेले बोले तो अकेले आया था मेरा लड़का, किसी के साथ में भी नहीं आया वो। मेरे को कुछ भी करो, मेरे लड़के के लिए कुछ करो। मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन कहते हैं कि उसको तो सब कह रहे कि टुकड़ा टुकड़ा में मिला। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम चला, कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे को। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं 13 दिन से दौड़ रही, 13 दिन हो गए। 9-10 दिन तो कंप्लेन डाले हुए मुझे, 2 दिन उसको पकड़ पकड़ के छोड़ दिए हैंगे। कंप्लेन क्या किए क्या नहीं किए मुझे कुछ भी नहीं मालूम ये चीज़ का। मैंने तो पूरा लिखवा के भी आई थी उसी दिन से, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कुछ नहीं कह पाऊँगी सर अब।